दिखाई नहीं देता क्या? मेरे गाड़ी के सामने क्यों आया? क्या कहा? एक तो मेरी गाड़ी को ठोकर मार दी और मुझे ही आंखें दिखा रही हो। उंगली पकड़ने को दी तो गर्दन पकड़ रही हो। असल में तो तुझ पर पुलिस केस करना चाहिए। तो मैं एक लड़की हूँ इसलिए छोड़ रहा हूँ। चुपचाप मुझे ड्रॉप करो। मैं क्यों ड्रॉप करूँ? ओके, ड्रॉप मत करो, नो प्रॉब्लम। पुलिस आने तक दोनों यही रुकते हैं। रेडी? पता नहीं किस घड़ी से पाला पड़ा था। क्या कहा? कुछ नहीं, बैठिए ना। गुड, चलो चलो। आज क्लास में बड़ा फनी इंसिडेंट हुआ था। दीदी, भैया। बस है, देख के चलाओ। सरक के बैठो। सरक गया। आगे नहीं पीछे। क्या लड़की है यार। मुझे धक्का देके तुम क्यों चला रहे हो? क्या जानती हो मेरी हालत क्या है? हाथ हटाओ। उतरो। हा? अभी नीचे उतरो। ए, मेरी कमर पे हाथ क्यों रखा? स्पीड ब्रेकर पे इतनी तेज चलाया तो हाथ लग ही गया। नहीं, मैंने जानबूझ के नहीं रखा। तुमने जानबूझ के रखा। क्या कहा? मैंने जानबूझ कर तुम्हारे ऊपर हाथ रखा था? हेलो, चल निकल यहाँ से। चल निकल, निकल। अरे ऐसे चल के क्यों आ रहे हो? बाइक कहाँ गई? रिपेयर के लिए दी है। रिपेयर करने दी है या उसके बहाने से लड़की के साथ घूम रहे थे? कौन सी लड़की? दीदी, जब हमने पहले देखा तो ये दोनों स्कूटी पे जा रहे थे। रोड नंबर 12 पे देखा तो ये दोनों लड़ रहे थे। क्या हुआ होगा दीदी? और क्या होगा, लव हुआ होगा। सच कहा दीदी, वरना भैया उस लड़की की कमर पे हाथ क्यों रखते हैं, बताइए तो। मुझे बीच में रख के फुटबॉल क्यों खेल रही हो तुम दोनों? तो तुम ही बताओ ना। क्यों भैया, तुम उस लड़की से सच में लव करते हो? अरे लगाऊं क्या, एक लव कुछ नहीं है। ये कैसे किलो दिया भैया? 50 रुपए किलो। ये सारे दे दो। ठीक है सर। ये कैसे दिया भैया? खत्म हो गया बेटी, सारे इन्होंने खरीद लिए। सुनिए, मेरे डैडी को ये बहुत पसंद है, मैं आधे ले लूं? ये हमें ही कम पड़ेंगे बेटा। यहाँ क्या कर रहे हो बेटी? आपकी पसंदीदा सब्जी लेने आई थी डैडी, पर इन्होंने पूरी खरीद ली। अरे कृष्णा, तुम? अरे सुबू। मेरे पापा का नाम सुब्रमण्यम है। मैं जानता हूँ बेटी, हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं बेटी। ये मेरी बेटी है। अंकल, अब तो मैं इसमें से आधे ले लूं? आधा क्यों बेटी, सब पकाकर इसके सामने परोसूंगा और इसको खाते हुए देखूंगा मैं। चल मेरे घर चलते हैं। चल। हाँ चल। दीदी दीदी यहाँ। क्या हुआ? बाहर देखो, उस दिन भैया के साथ जो लड़की थी वो यही है ना? तो पापा के साथ क्यों आई है? यानी भैया का काम तमाम। भैया भैया, वो लड़की हमारे घर आई है भैया, अपने पापा को लेकर। जल्दी आओ। कौन है? मैं उस लड़की से प्यार नहीं करता हूँ। वो बात नहीं है भैया, वो लड़की हमारे घर आई है। अरे बाप रे, हमारे घर आ गई है? बाप रे। अन्नपूर्णा, ये याद है तुम्हें? क्यों याद नहीं है, सुब्रमण्यम भैया ही है ना। कैसी हो बहना? अच्छी हूँ भैया। ये मेरी बेटी सुहासिनी, यही कॉलेज में पढ़ती है। नमस्ते आंटी। अरे सुब्बू, ये बड़ी लड़की है। नमस्ते अंकल। इसकी शादी तय हो गई है। और ये छोटी बेटी। नमस्ते अंकल। अरे कृष्णा, तेरे एक बेटा भी था, वो किधर है? अरे है ना राजो। ए, अरे टॉवल तो निकाल। अरे टॉवल निकाल, शक्ल देखनी है तेरी। क्या रे सब्बू, मुझे लगा तू पहचानेगा, लेकिन तेरी बेटी ने पहचाना। क्यों बेटी, तुम इसे पहचानती हो? हाँ डैडी, ये हमारे कॉलेज में ही पढ़ता है। अच्छा है बेटी, बचपन में भी तुम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, अब फिर एक साथ कॉलेज में पढ़ रहे हो। अंकल, बचपन में ये दोनों एक ही स्कूल में थे? हाँ बेटी, बचपन में सुहासिनी की बहुत नाक बहा करती थी, तब तुम्हारा भैया बैती नाक करके उसे चिढ़ाता था। डैडी, वो सब क्यों बता रहे हो? तू भी उसे कुछ कह के चिढ़ाया करती थी। क्या कहती थी? वो भूल गई होगी अंकल, बहुत पहले की बात है ना। तुझे कुछ याद है कृष्णमूर्ति? कुछ तो कहा करती थी यार, वो क्या कहती थी? कुछ नहीं, आँख में कचरा चला गया अंकल। उसकी आँख का कचरा निकाल दो बेटी। क्यों? बहती नाक कहकर चढ़ाना चाहते हो? बहती नाक वाली लड़की। ईमानदारी से बचपन में क्या कहकर चढ़ाते थे बताओ, वरना तुम्हारे आँखों की सच में परेशानी हो जाऊंगी। डैडी, मैं बचपन में नागों को क्या बुलाती थी?
याद नहीं आ रहा, भूख लगी है, खाना दो ना। बचपन में उसे क्या कहकर बुलाती थी बताओगे तो ही खाना दूंगी, ठीक है ना? वैसे भी दीदी और जीजा जी को खाने पर बुलाकर पहले आप कैसे खा सकते हैं? तुम्हारा जीजा सीएम साहब का पिए, वो उन्हें कब छोड़ेंगे और वो कब आगे खाएगा? मुझे तो भूख लगी। लो आगे। दामाद जी, मुझे जोर की भूख लगी है भाई। दीदी, कृष्णमूर्ति नाम के अपने पड़ोसी हुआ करते थे, याद है? हाँ, कोर्ट के प्यून है ना? हाँ, उनके बेटे नागराजू को मैं एक निकनेम से बुलाया करती थी, आपको वो नाम याद है? एक निकनेम की किताब है, वो ला कर देती हूँ, वो पढ़कर जान लो। उसकी जरूरत नहीं है। खाना परोसो बेटी। क्या बनाया है आज? आपकी नहीं, डैडी के कहने पर उनकी फेवरेट सब्जी बनाई है। ये सब्जी क्यों बनाई? इस सब्जी को तो लेबर लोग खाते हैं, पिताजी को कैसे पसंद आएगी? लेबर इसे खाते हैं तो क्या हम खाना छोड़ दें? मुझसे बहस करना नहीं, इसे जीत कर दिखाओ तो जानू। सुहासिनी की हर बात मुझे स्वीट लगती है। डैडी, डैडी। क्या हुआ बेटी, कोई बुरा सपना देख लिया? सोऊंगी तो सपने आएंगे ना। डैडी, नागराजू का निकनेम बताइए ना। नींद लगी है बेटी, सुबह सोच करके बताऊंगा। क्या डैडी? डैडी, डैडी, नींद ही नहीं आ रही है। अरे मुझे तो सोने दो बेटी। माँ, अकेले अकेले क्यों हंस रही हो? बताओ ना कौन सा जोक है, हम लोग भी हंस लेंगे। बताऊंगी तो तू रोएगा। पहले तुम बताओ तो सही। कुछ नहीं बेटा, कल वो लड़की अपने घर आई थी, तुझे क्या कहकर चिढ़ाती थी पूछ रही थी। क्या पूछ रही थी और तुमने क्या बताया? मोटा गेंडा बोली। मोटा गेंडा। मोटा गेंडा। रुक रुक रुक, अभी बता दो। रुक जा माँ, सामने से हट जा। अरे जाने दे इसको। माँ जा। रुक रुक, अरे आ जाएगी तो। मेरे दुश्मन कहीं बाहर नहीं है, सब घर में ही बसे हुए हैं। भैया लड्डू खाओगे? माँ। एक्सक्यूज मी सर, ये वीआईपी सीट्स हैं, आप जरा पीछे जाकर बैठिए। अपन कौन है इसको बता रहे? आर्ट्स कॉलेज का लीडर है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, नाम है गुरु। तो हम क्या करें, पीछे जाकर बैठो। क्या बोल रहे तो? ये कौन है जानता है? कौन है ये? 0.4 से बड़ा, 0.6 से छोटा है। आप बैठिए सर। बैठिए बैठिए। उसने कुछ तो कहा लेकिन मेरे समझ में नहीं आया। 0.4 से बड़ा, 0.6 से छोटा, 0.5 बोला वो। चल, ए चल। डियर फ्रेंड्स, आज हमारे कॉलेज के गोल्डन जुबली फंक्शन में मुख्य अतिथि के रूप में सीएम साहब को क्यों बुलाया है जानते हैं? क्योंकि वो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट रह चुके हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मंच पर आने की विनम्र विनती करता हूँ और उनका सम्मान करने के लिए कॉलेज के प्रिंसिपल साहब आएंगे। इसके बाद हमारे यहाँ विशिष्ट अतिथि बनकर आए माननीय होम मिनिस्टर को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ। सीएम साहब हमारे इसी कॉलेज से पढ़ाई लिखाई करके आज राज्य के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, इसलिए हम विद्यार्थीगण आपसे एक संदेश सुनने की आशा रखते हैं। सारे विद्यार्थियों को गोल्डन जुबली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमेशा पॉलिटिकल वाले माइक हाथ में आते ही बड़े बड़े वादे करते रहते हैं, मैं वादे करने के लिए नहीं आया हूं। जनता की मदद करना पहले की राजनीति थी और रुपए कमाना आज की राजनीति है। आप सब लोग नए वोटर्स होंगे, सरकार को बदलना या राजनेताओं को बदलना युवाओं के हाथ में है। तुम सबको राजनीति में आना चाहिए और राजनीति के तौर तरीकों को बदलने की उम्मीद तुमसे करता हूँ। आज मैं जिस कुर्सी पर बैठा हूँ, कल आप में से कोई एक इस कुर्सी पर बैठ सकता है।
खासकर युवाओं से मेरी विनती है, तुम आने वाले उज्जवल भारत के उजियारे दीप हो, कल के बनने वाले वीर हो। युवा हीरो से ही भारत को एक नया रूप मिलेगा। सोल्ड द पीपल, बॉय द पीपल, ट्रू द पीपल के बदले ये भावनाएं होनी चाहिए। सोल्ड द यूथ, बॉय द यूथ, ट्रू द यूथ। सोच जब आएगी तभी सब कुछ अच्छा होगा। जय हिंद। नमस्ते साहब। क्या रे, गुस्से में है क्या? कश्मीर में इलेक्शन होने पर जैसा गुस्सा छा जाता है ना, उतने गुस्से में है वो। तो वापस चला जाओ क्या? वापस जाओगे तो कारगिल वॉर हो जाएगा। तो करूं क्या? मेंटली प्रिपेयर होकर अंदर जाकर उन्हें पटा लीजिए। जाइए, छोड़िए मत। सूली पे चढ़ाया ना, अब मर गया। सरदर्द हो रहा है? नहीं, बदन में आग लगी है। तुम्हारे दुख को समझ सकता हूँ मंदा भाई, कॉलेज में फंक्शन था ना, कॉलेज में फंक्शन था। क्यों, कॉलेज के लड़कों के लिए मैं काम नहीं आ सकती क्या? मेरी स्पीच काम की नहीं है? मुझे अगर स्टेज पर बुलाया होता तो दिखा देती। लगता है पारा गर्म हो गया है। आओ। स्टेज ही क्या पगली, एमएलए रंगा राव मर चुका है ना, अगले इलेक्शन में उसकी ही सीट दिलवा दूंगा मैं तुझे। कमिट हो गया, कमिट हो गया। एमएलए के मरने के बाद वो सीट उसकी बीवी की होती है, मुझे उस रंगाराव के साथ ही होना चाहिए था। मंदा भाई, इतनी बेइज्जती ठीक नहीं है। ये सीट तुम्हें नहीं दिलवाई तो नेतागिरी से इस्तीफा दे दूंगा। इन चार दीवारों के बीच वादों की तो कमी ही नहीं है। राजनेता धोखा देते हैं मामूली वोटर्स को, तुम्हारी जैसी औरत को नहीं। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्कार। ये मंदा भाई है, समाज सेविका, अपनी पार्टी को पसंद करती है, आपसे मिलने आई है। थैंक यू। आपकी पार्टी में मौका मिलेगा तो अपने आप को साबित कर दूंगी सर। बिल्कुल मिलेगा। अपनी पार्टी की सेवा करना चाहती हैं। वर प्रसाद, तुमने और हमने एक ही कॉलेज में पढ़ाई की है, मैं तुम्हारे बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरे लिए जितना अहम पद है, कैरेक्टर भी उतना ही अहम है। तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता चला है, इस तरह की बातें हमारी पार्टी के लिए शोभा नहीं देती। कहने वाले कुछ भी कहते हैं सर, अगर उन पर ध्यान देंगे तो राजनीति नहीं कर पाएंगे हम। इसे किस लिए लाए हो? वाई लक्ष्मी की सीट के लिए। वो ऑलरेडी यूथ लीडर को दे दिया है ना? अभी तक फाइनल नहीं किया है ना, मंदा भाई से नॉमिनेशन करवा सकते हैं। हर मिनट में बदलते रहे तो अपनी पार्टी का नाम गंगा में बह जाएगा। चलता हूँ। आ गए काशी जी। नमस्कार दोस्तों। नमस्ते। नमस्ते। मैंने एक उंगली घुमाई तो स्टेट की सरकार लट्टू की तरह घूमनी चाहिए बस। कैसी हो मंदा भाई, बैठ जाइए। वैसे भी तुम्हारा क्या, मेहनत कम कनेक्शन ज्यादा है, ठीक ही होगी। हाँ, क्या खाक ठीक हूँ। क्यों? वही साहेब, वाई लक्ष्मी की सीट दिलाने वाले थे ना, सीएम ने ना कह दिया, ये जो है इंडिपेंडेंट सीट दिलाऊंगा कह रहे हैं, इसीलिए मैडम डर रही है। किस लिए डर रही हो? मैं हूँ ना, मैं ऑपोजिशन लीडर हूँ ना, अभी हमारे पार्टी में जगह खाली है, इसे इंडिपेंडेंट ठहरा कर हमारी पार्टी से पूरा सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना? ओके। हेलो, नमस्ते जी, अभी मैं अगले इलेक्शन के लिए एक कैंडिडेट को खड़ा कर रहा हूँ, मंदा भाई नाम है, अच्छी समाज सेविका है, हाई क्लास से लेकर लो क्लास तक पूरा फिगर अच्छा है, मैं इसे पार्टी में लेना चाहता हूँ। क्या कहा? उन्हें सपोर्ट करने से हमें क्या फायदा होगा? लाइए मैं बात करता हूँ। ओके, एक मिनट, वो औरत है ना, होम मिनिस्टर की प्यारी गुड़िया है रे बाबा, उन्हीं से बात कर लो। अपनी पार्टी की सपोर्ट से मंदा भाई को जिताओगे तो अपनी पार्टी की गवर्नमेंट को मैं गिरा दूंगा, हैं? गारंटी क्या? इधर लाओ। गारंटी वारंटी क्या मांग रहे हो बाबा, औरत के कदम पड़ने के बाद कितनी सरकारें गिर चुकी हैं। अब सुनो, हिस्ट्री जानते हुए भी मुझसे मत बुलवाओ, यहाँ का सारा मैं संभालता हूँ और वहाँ का सारा तुम संभालो, अब रखता हूँ। थैंक्स जी, आपका कर्जा चुका दूंगी। ये क्या मंदा भाई, थैंक्स से ही काम चलाओगी? नहीं तो क्या चाहिए बताइए ना। अरे बाप रे, ऐसे मामले में मैं थोड़ा वीक हूँ, मेरा तो एक ही सिद्धांत है, घर का टैक्स फ्री, राशन फ्री, बिजली फ्री, सपोर्ट फ्री, चप्पल से मारूंगा, सपोर्ट फ्री नहीं है। परेशान मत होइए, वो सब मैं संभाल लूंगा, कुछ भी करना पड़े करूंगा, लेकिन ये तय है कि मेरी मंदा भाई असेंबली में पहुँचनी चाहिए, बस। पहुँच गई समझो।